लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। मराठा आरक्षण को एसईबीसी के अंतर्गत कानून में रहकर गायकवाड़ कमीशन को बनाकर जो रिजर्वेशन आरक्षण दिया था, उसकी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने सही तरीके से न रखने के कारण और सभी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं करने के कारण महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने मराठा समाज को मिला हुआ आरक्षण अपने स्वयं के कर्तृत्वहीनता के कारण खत्म कर दिया। अब ओबीसी समाज को चुनाव के लिए जो एडिशनल आरक्षण मिला था, जो जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर पालिका, महानगर पालिका के चुनाव में उनको मिलता था, अपने समाज को मिलता था, उसकी भी दलील सुप्रीम कोर्ट के सामने न रखने के कारण और 15 बार डेट्स तारीख पे तारीख इस प्रकार का रवैया लेने के कारण भी वो सुप्रीम कोर्ट के सामने टिका नहीं पाए। मुझे लगता है दोनों आरक्षण में जो रवैया ठाकरे सरकार ने लिया और उसके कारण समाज में अपने आरक्षण को न बचाने की जो एक दुख भरी भावना है वो निर्माण हुई, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ठाकरे सरकार का अहंकार है। पहले के सरकारों ने जो काम किया चलना और आवश्यक तो ये था कि उसको सही तरीके से सही मायने में कोर्ट के सामने दलील के स्वरूप में रखते तो शायद आरक्षण को बचा पाते, लेकिन खुद का अहंकार, मैं पिछले सरकार के अच्छी कामों की तारीफ और दलील भी नहीं करूंगा, उसके कारण ये स्थिति निर्माण हुई है और उसका पूरा का पूरा ठिकरा ठाकरे सरकार के अहंकार के ऊपर है। देखिए कैसी विडंबना है कि एससी एसटी के आरक्षण के लिए, पदोन्नति के लिए, उस विषय में कांग्रेस कहती है हम आक्रामक है, हम चिंतित है, लेकिन दोगलापन ऐसा है कि चिंता व्यक्त करते हैं लेकिन उसी सरकार के अंदर बैठ के खुद के फायदे करा के ले रहे। दूसरी तरफ एनसीपी के और कांग्रेस के वडेट्टीवार और छगन भुजबल जी ओबीसी आरक्षण को लेके मोर्चा निकालते हैं और दोगलापन ऐसा है कि उनकी सरकार के रवैये के कारण ओबीसी को जो मिला हुआ चुनाव के लिए आरक्षण था वो टिका नहीं पाए, फिर भी वडेट्टीवार जी और भुजबल जी सत्ता में फायदे लेकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब स्पष्ट है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और मराठा कोई भी आरक्षण को ना ये बचा पाए, लेकिन झूठ और दोगलेपन से सत्ता में जरूर बैठे हैं, समाज इसकी प्रतिक्रिया जरूर देगा।